नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में शामिल 9 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नामांकन की तैयारियों को लेकर कहा कि सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में बैरिकेटिंग की गई है। नामांकन दाखिल करने के लिए कैंडिडेट को 3 गाड़ी और 4 अन्य लोगों को अंदर ले जाने की परमिशन है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा लिहाज से कलेक्टर ऑफिस के आसपास कुल 40 पुलिस अधिकारी जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसका जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा बैरिकेटिंग हो गई है, सुरक्षा के प्रबंध हैं, 100 मीटर की विसिनिटी के जो व्हीकल रिस्ट्रिक्शन के रूल्स हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। कच्छ में जो है सीसीटीवी वीडियोग्राफी उसका भी प्रबंध कर दिया गया है, 5 से ज़्यादा लोगों का उसमें प्रवेश नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से पूरी जो प्रोसेस है वो हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो भी नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे एक्सपेंडिचर 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं जो एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा जो इंटीग्रेटेड जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो गया है। वहाँ से कोई भी परमिशन ले सकता है, अगर कोई भी सभा करनी है एज पर रूल या कोई भी अन्य पॉलिटिकल कार्यक्रम की, तो वो परमिशन की भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। उसके लिए हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से लेने की सुविधा अवेलेबल है। हमारी सारी FST टीमें हर विधानसभा में 3-3 चालू हो गई हैं। SST टीम भी आज से फंक्शनल हो गई हैं। इसके अलावा वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, जो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए टीम है, जो हमारी अकाउंटिंग टीम है, वो सब भी काम करने लग गई हैं। इसके अलावा हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग थी वो पूरी हो गई मैन पावर की। अभी सेकेंड ट्रेनिंग भी जो है हम इसके बाद हम करेंगे 20 तारीख के बाद, और फिर थर्ड ट्रेनिंग उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम की प्रिपरेशन है EVM के लिए वो भी पूरी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी सुविधा है। और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि हम वहाँ छाया की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, ORS की व्यवस्था करेंगे, तो समय निकाल के वोट करने जरूर आएँ। हमने अपनी पूरी इलेक्शन की तैयारियाँ हमारी वॉर फुटिंग। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।